की पोती इंदु की शादी तय हुई है। इंदु को ये शादी पसंद नहीं। ऐसा मोटा है ठेंगा। पर लड़की को उसकी पसंद कौन पूछता है? अगर तुम्हें ये सब मालूम होता कि भरत भैया इतने पीते हैं, तो शायद तुम ये शादी कभी नहीं करते ना? परमेश्वरी दवाई की और जहर की शीशी पर लिखी पट्टी पढ़कर भरत की जान बचाती है। और ये है पेट की दवा। आंखें तो हमारी भी है री, लेकिन हम सब की सब अंधी हैं। अब उसकी हिम्मत और भी बढ़ जाती है। अपनी अकलमंदी अपने घर में दिखाए। मैंने बाल क्या धूप में सफेद किए? मुझे ज्ञान सिखाने चली आई। इस बेरी माँ ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। दादी इतना गुस्सा मत कर, भाभी हमारा बुरा थोड़े ही चाहेगी। अब तू अकल के तारे मत तोड़, मैं सब जानती हूँ। चार अक्षर क्या सीख गई है, उसे लगता है कि सारी दुनियादारी की अकल आ गई है। मगर दादी मुझे कहती है गंगा माई लड़की अभी अभी सियानी हुई है, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की। कहती है लड़की कितनी सुंदर है। अरे तेरी भी तो बेटी है, ये बिना माँ बाप की बेटी मेरे आंचल में जलता कोयला है, जलता कोयला। बड़ी आई सलाह देने वाली। मगर दादी अंधा गधा चुप। दादी इंदु तो कल परसों तो गुड़ियों का खेल खेलती थी, वो तो छोटी है। अरे तुझे तेरे नाटक के सिवा कुछ सोचता भी है? तू कुछ काम का होता तो क्यों मैं ये जल्दबाजी करती? मगर कितना मोटा है लड़का। वही तो देखा मैंने, लड़का मोटा है मतलब घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं, लड़की भूखी तो नहीं मरेगी। और मोटा है मतलब परिवार का कोई भी बोझ उठा सकता है। मगर दादी कोई मुसीबत उसके पीछे पड़ जाए तो उससे वो भाग भी तो नहीं सकता। क्यों क्यों क्यों? इतना मोटा लड़का भागेगा कैसे? बंद कर तेरी बकवास। मगर दादी। अरे तू जानता नहीं, लड़का पाटलन के मायके का है, मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन उस दिन पाटलन ने खुद मुझे संदेशा भेजकर बुलाया था घर में। देख गंगा माई, तेरा पोता गोरख तो कुछ काम का नहीं लगता। उसके माँ बाप तो तीर्थ यात्रा में जो हादसा हुआ उसमें मारे गए। अब तीर्थ में मरे तो उन्हें स्वर्ग ही मिला होगा, और अगर उन्हें स्वर्ग मिल गया तो फिर उन्हें जमाई भी तो नसीब वाला ही मिलेगा ना। क्यों ठीक है ना, मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, सच है। उस दिन जब मैं मायके गई थी तो जैसे ही हमारी गाड़ी के बैलों ने आगे के पैर गांव में डाले ही थे कि बस सामने ये खड़ा था मोटू राम, बैल भी उसे देखते ही एकदम रुक गए। उसकी तो पीठ थी हमारी तरफ, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनते ही उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा और बोला बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई। बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई। अब उसकी हंसी और गालों के गड्ढे देखकर उस मुझे तेरी इंदु की याद आ गई। सच क्या जोड़ी बनाई है भगवान ने। सच पाटलन? नो, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तो क्या मुझे सोने के सिक्के देने वाली है? हाँ अगर तेरी पोती की शादी में अगर तूने जरी की साड़ी दे दी तो पहनूंगी जरूर। क्यों नहीं पाटलन, तेरे मुंह में घी शक्कर, अगर ये रिश्ता पक्का हो जाए तो तुझे क्या तेरे बहू को भी साड़ी पहनाऊंगी मैं। हाँ तो बस अब घर जाओ और तैयारी शुरू कर, अब ये रिश्ता पक्का हो गया। ये सच है या सपना?
अरे बहू, अरे जरा अंदर से मिर्च मसाला देना, मुंह में डाल ले और देख ले सच है या सपना। लेकिन ये खाते पीते लोग दहेज क्या लेंगे? कुछ नहीं, दहेज वहेज भूल जा। अरे लेन देन की तो कोई बात होगी ही नहीं। सच? हाँ, लड़के के माँ बाप तो है नहीं, इस मामले में लड़की से बराबरी है। और गांव में 100 बीघा जमीन से कम नहीं, और 2 गांव में चक्कियां हैं। हाँ, क्या कह रही हो? सारा कारोबार अकेला देखता है? अरे वो है बड़ा भाग्यशाली, उसको तो कारोबार देखना ही नहीं पड़ता। घर में मामा मामी है, वो तो उसके भोलेपन को पागलपन ही कहते हैं। ये तो बस गद्दी पे बैठ के खाता है। अब देखो एक एक का नसीब है। अब तेरा पोता गोरख, कोई उसे पागल कहे तो? पागल थोड़ी है वो। वो लड़के का मामा मेरा दूर का भाई लगता है। उसकी बीवी की जवान जरा तीखी है, लेकिन हमें उससे क्या है। अब असली मालकिन तो तेरी पोती हुई ना, बस बैठ के राज करेगी। बोले मंजूर? क्यों नहीं, कौनसा दिन है आज कि हमारे हिंदू के भाग खुल गए। देख गंगा भाई, मैंने तो सारी बातें खुल के तुझे बता दी। अब तू समझदार होगी तो गांव में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मगर किसकी नजर कैसी होती है, किसकी नजर कैसी। कोई कहेगा कि लड़का लड़की से उम्र में बहुत बड़ा है, तो बड़ा है तो क्या हुआ। कौन है? जी मैं हूँ। अरे बहू, अरे सुनो जरा, चीनी डाल के गंगा माई के लिए दूध ले आना। अच्छा जी। अब सुन, मैं तो अपनी बहू को भी नहीं बताऊंगी, वरना राई का पहाड़ बनने में कौन सी देर। ठीक है ना? सच कह रही हूँ ना मैं। मगर दादी, इंदू तो इतनी उछल कूद करने वाली मनचली लड़की, उसे ये गद्दी पे बैठने वाला मोटा लड़का अच्छा ना लगे तो? क्यों, उसे अच्छा बुरा लगने का क्या संबंध? मगर दादी, शादी तो उससे करनी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी तो हमें उसकी करानी है। मगर दादी, लड़कियों की पसंद नापसंद पूछने लगे तो तुम नाटक वालों की कभी शादी होगी ही नहीं, समझे? सच दादी? तो गधा। अच्छा हुआ ना बुआ, सारा गंगा माई की इच्छा हो गया, जिम्मेदारी खत्म हो गई। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। माँ, मेरी शादी कब होगी? क्या कहो? देखा जानकी, पाटलन ने लड़का तो सुझाया, पर वो लोग गंगा में के साथ नहीं गए। बुआ, वो अपने को लड़के वाले समझते हैं,
तो लड़की वालों के साथ कैसे जाएंगे? पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि पाटलन गंगा माई पे ऐसी मेहरबान कैसे हो गई? अपने रिश्तेदारों में से एक लड़का उसने इस गरीब घर की लड़की के लिए कैसे सुझाया? वही तो मैं भी कह रही हूँ, दाल में कुछ काला जरूर है। अरे क्या पागलों जैसे बातें कर रही है? अरे इंदु के तो भाग खुल गए, उसे इतना अमीर लड़का मिल गया। मगर इंदु की उम्र अभी शादी करने की थोड़ी है। अरे फिर वही बात, कल तू इसी बात पर गंगा माई से लड़के आई है और अभी तक वही बकबक चल रही है तेरी। मुझे तो अपनी शादी ठीक तरह से याद भी नहीं। हाँ, रात को हो गई थी शादी। किसी ने नींद में से मुझे जगाया, कंधे पर उठाकर ले गए और दूसरे दिन मामा ने मुझे बताया रात को शादी हो गई है, अब डोली में बैठकर तुझे ससुराल जाना है। मेरी तो कुछ समझ में भी नहीं आया। माँ फूट फूट कर रो रही थी। बस सारे लोग रो रहे थे इसलिए मैंने भी रोना शुरू कर दिया। तो फिर ससुराल जाके क्या हुआ? वही जो हर लड़की का होता है, पहले 10 बरस रो रो के काम करना, सास से झगड़ना और चोरी चोरी खाना। हम लोग अपने रोने धोने का मजाक क्यों उड़ाते हैं? तो क्या करें, यही रिवाज है। हा? हर लड़की को इस सब से गुजरना पड़ता है। हर कोई तेरे जैसे झगड़ालू तो नहीं होती कि हर दम उल्टी बात कर दे। आप मुझे क्यों ताने दे रही हैं? मुझसे उस लड़की के आंसू नहीं देखे गए। हम लोग अपनी शादी में आंसू बहाते हैं और फिर भी ये नहीं चाहते कि अपनी बेटी उसकी शादी में आंसू ना बहाए। तुझे तो अपने पुरखों की सभी बातें गलत लगती है, बहुत ज्ञानी हो गई है ना। अगर इसी तरह उल्टी सीधे बातें करती रही ना तो लाड़ी की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। आप अभी से लाड़ी की शादी की सोच रही है? अब सयानी जो हो गई है शादी की नहीं सोचेंगे, क्या कह रही हो? देख बहू, तू अपनी पढ़ाई लिखाई जो है ना वो स्कूल में छोड़, यहाँ तो वही होगा जो सदियों से होता चला आया है, समझी? परमेश्वरी क्या बातें हो रही है? अरे मास्टर जी आप, क्या सास बहू में झगड़ा चल रहा है क्या? नहीं नहीं, हम तो बस यूं ही हंसी मजाक कर रही थी। परमेश्वरी जा, मास्टर जी के लिए चाय बना कर ला। नहीं नहीं, मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, मैं तो परमेश्वरी को ये किताबों का पार्सल देने के लिए आया था। किताबें? इतनी सारी किताबें परमेश्वरी पढ़ेगी सचमुच? तो क्या आप जानती नहीं, वो लिखना पढ़ना अच्छी तरह से जानती है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, महादेव की सारी चिट्ठियाँ यही पढ़ के सुनाती है हमें। अच्छा, तो अब ये बाहर से किताबें मंगवा मंगवा कर पढ़ेगी? अरे नहीं नहीं बुआ जी, ये किताबें मैंने इसके लिए मंगवाई है। मास्टर जी, क्या ये किताबें अब मेरी हैं? हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारी है, तुम इन किताबों पर तुम्हारा नाम लिख सकती हो। मैं चली। अच्छा बहू कब आ रही है? और नानी बहू वो आएगी एक महीने बाद। हाँ देखो ना। इतनी सारी मेरी किताबें? अब मुझे बनिया के पास से कागज लाके अपनी प्यास नहीं बुझानी होगी। सासू जी, इन किताबों में एक किताब है विवाह कानून। विवाह कानून? क्या चल रहा है? गुड़िया की शादी है। अच्छा देखो तो। अरे ये क्या, इतने अच्छे कपड़े पर ये गंदा कपड़ा क्यों लपेट रही हो? इसकी साड़ी है। क्यों, इतना अच्छा फराक है उसका, उस पे ये गंदी साड़ी क्यों लपेट रही हो? इसकी शादी है। उसको स्कूल भेजो, डाकघर भी बनाओ। शादी क्यों करा रही हो? मैं भी स्कूल जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, मेरी बच्ची जरूर जाएगी स्कूल, इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी शादी थोड़ी कराऊंगी मैं। गोविंद बोला गुड़िया की शादी कराओ, मैं पुजारी हूँ, ये मिठाई खिलाओ। अच्छा क्यों रे गोविंद, ऐसा क्यों कहा तुमने? गुड़िया तो अभी कितनी छोटी है।
इतनी छोटी गुड़िया की कभी शादी होती है? क्यों, इंदू की नहीं हुई? चुप, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें पता है छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कराना गैर कानूनी है। इसी ने कहा। तो क्या हुआ, हम दरोगा के पास जाएंगे और कहेंगे इस घर में छोटी उम्र की लड़की की शादी रचाई गई है। फिर क्या, दरोगा उसे पकड़ के ले जाएंगे। फिर क्या, फिर तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। चाची, सचमुच सजा हो सकती है? हाँ, हो सकती है, अगर किसी ने फरियाद की तो हो सकती है। मगर यह फरियाद कौन करेगा? मैं फरियाद करूंगी दरोगा के पास जाकर। हे भगवान, है क्या, अंदर आती। ये ले तेरा हिसाब, अब सिर्फ 500 रुपए बचे। दो गोनी मूंगफली बेच के वो भी जल्दी से चुका दूंगी। कोई जल्दी नहीं है भाई। हाँ, लेकिन शादी कैसे हुई? अरे कुछ पूछो मत, बहुत बड़े लोग हैं वो। खीर की नदियां बहती थी, अब सब बताने को मुझे टाइम नहीं। मुझे वो शंकर मामा की दुकान में जाना है। शंकर मामा। ओ शंकर मामा। कौन? गंगा माई। आओ आओ, बैठो बैठो, आओ। लड़की की बुट्टे वाली साड़ी और दूल्हे का रेशमी कमीज, उसके पैसे तुम्हें कम करने ही होंगे। मैं तेरे लिए सिर्फ 700 रुपए लाई हूँ। देख, तुझे मानना ही पड़ेगा। पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं माई? मगर कमीज देखकर दूल्हा राजा खुश हुआ या नहीं, ये तो बता। सो तो हुआ, लेकिन जानते हो क्या? उसके पास पहले से ही ऐसी 10 कमीजें थी। हाँ, अरे अरे अरे, ये बटुआ कहाँ भूले जा रही हो? अपने पुजारी जी के यहाँ जा रही हूँ। क्यों, दूल्हे राजा को अभी से घर बुलाने का मुहूर्त निकालने जा रही हो क्या? क्या बोलता है? क्यों शंकर मामा, ऐसे नहीं लगता गंगा माई को ही दहेज मिला है उसकी पोती की शादी में लड़के वालों से? आ, आ? जोरत से पूछा था, बोला कि पता नहीं कब और कहाँ निकल गई थी। तो देखते तो, अच्छा तो शाम तक दरोगा आ जाएगा शायद। हाँ, बोलती है कि किताब में सब कुछ लिखा है। वाह, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। घबराने की बात तो है ही। चलो किधर, इधर। अच्छा चलो, इधर इधर। अच्छा, देखते हैं। अब इस गंगा माई को क्या पड़ी थी गांव भर में ढिंढोरा पीटने की? हाँ, इंदु 14 साल की है और लड़का बहुत बड़ा है उम्र में, लेकिन अमीर है। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इंदु 14 साल के, बताने की जरूरत थी क्या? अब देखना। हाँ? बुआ पछताएगी। हाँ। नहीं तो क्या। गंगा माई आई है? हाँ आई थी, मगर अभी अभी शंकर मामा के यहाँ गई है। इतने में चली गई? खुशी के मारे बूढ़ी की जवानी वापस आ गई है। ए, क्या वक्त पा रहे तू, कुंवर का तो लिहाज कर। अरे जरा बुआ चलिए। अभी गई ना पुजारी जी के यहाँ। इतनी जल्दी? चलो रुक रुक, इतनी भागदौड़ मुझसे नहीं होगी। बुआ जी, अब तुम गंगा माई की चाल नहीं चल सकोगी।
वो तो दौड़ रही है गांव भर कर्जा चुकाते चुकाते। तो बहुत अच्छा हुआ कि उसके पोती के भाग खुल गए, अब पैसों की बारिश हो रही है उस पर। अरे बाबा अब ज्यादा मत बोल, क्या पता बारिश हुई है या बिजली टूटने वाली है। चल मेरी भाई, तुम कब लाड़ी के हाथ पीले कर रही हो? अरे भाई अभी जल्दी क्या है, अभी तो वो बच्ची है। क्या बक रही तू? चलो प्रसाद लेने आई थी, मंदिर की तरफ गई शायद। चल वो उधर ही। दीदी तुम, मैं कितना चौक गई, किसको जा रही हो? पहले बता तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही, बुखार उतरा नहीं? अभी तो बुखार नहीं है, रात को आता है। तुम्हें आराम की जरूरत है? हाँ वो लक्ष्मी दीदी खेत में गई है तो मैं थोड़ा तेल लेने बनिया के आ जा रही थी। बनिया की दुकान पे जा सकती हो, और कल जब मैंने पूछा तो कहा बैद जी के पास जाने की ताकत नहीं है मुझ में। ठीक है तुम मत जाना, अब मैं उन्हें ले आऊंगी तुम्हारे पास। और क्या करोगी? हथकड़ियां लगवाऊंगी और कैद करा दूंगी। और फिर सजा क्या होगी? वो तो उन्हीं से पूछेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे वो ऐसे गुनाह की। अच्छा तो अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अरे तू देख रहा है ना, इस महंगाई के जमाने में तू भी कंजूस हो गया, एक हाथ से देता है और 10 हाथों से निकाल लेगा। हे भगवान, तो अब क्या करेंगे? कब आ रहा है दरोगा? घबरा मत, वो दोपहर को आ रहा है, शाम को भी हो सकता है। शायद आवाज इतनी ऊंची मत कर, शाम को भी हो। हाँ शाम होने से पहले हमें कुछ करना होगा ना। क्या करेंगे? क्या पाटल और पाटलन से सलाह करेंगे। बोझ बनी थी प्यारी बच्ची, करती विदाई उम्र थी कच्ची, उसके आंसू उसके साथ बंधे रह गए मेरे हाथ। नई किताबें हाथ में आई, मैंने अनोखी ताकत पाई, मेरी किताबें रोशनी लाए, मेरे सवालों को सुलझाए, सबके सवालों को सुलझाए। नहीं तो काला अक्षर भैंस बराबर मेरी जिंदगी, भैंस बराबर अकल की मेरी, भैंस बराबर काला अक्षर भैंस बराबर